प्रोटेस्ट करते हैं नौजवान हैं जिनको जिनकी रिक्रूटमेंट भी हुई थी, चाहे वो FAA है, चाहे वो सब इंस्पेक्टर है, चाहे वो जल बोर्ड में जल शक्ति में है, जिनके हर जहां भी कोई रिक्रूटमेंट होती है उसमें करप्शन होती है। तो मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात कह के जो यहाँ के नौजवान हैं उनके जख्मों पे मरहम करने के बजाय नमक डाल दिया। मैडम तरुण चुग का बयान आया है कि जो पंडित यहाँ से निकले हैं या तो किस सरकार है, जबकि यहाँ से कश्मीरी पंडित पिछले एक तो जब से 2019 हो गया है उसके बाद टारगेट किलिंग हो रही है कश्मीरी पंडित की दोबारा से, और उसके साथ साथ जो शुपयान में है बाकी जगहों पे हैं जो कश्मीरी पंडित यहाँ से भाग रहे हैं, जो उन्होंने पिछले 30 साल यहाँ कयाम किया था, और कश्मीरी पंडित पिछले 6 महीने से जम्मू में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज तो हमारी सरकार नहीं है, ना फारूक साहब की ना हमारी, आज तो बीजेपी की सरकार है, आज तो बीजेपी का लेफ्टिनेंट गवर्नर है, आज तो दिल्ली में भी बीजेपी सरकार है, तो फिर ये कश्मीरी पंडित भागने के लिए ऊपर मजबूर क्यों हुए हैं संविधान के अंदर। दोस्तों क्या आपको पता है कि आप ही की वजह से 2019 से हम जरूरतमंद और यतीम बच्चों की मदद करते हैं, और अगर आप जानना चाहते हैं ये कैसे हो रहा है तो ऊपर इस वीडियो पे क्लिक कीजिए और जानिए कि ये नेक काम आपकी वजह से कैसे हो रहा है। शुक्रिया दोस्तों।